जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आपको ये 2 कॉन्सेप्ट ट्रिके समझाई जाएंगी, जिससे आपके एनडीए फोर्स नेवी के क्वेश्चन सेकंडों के में होने लगेंगे। देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट है टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, टेन ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को टेन ए प्लस बी को खोलेंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए यानी कि 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। जब आप इसे पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा दोनों जगह यहां पर आप बेटा साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार जैसे यहां पर प्लस था, ध्यान दें बेटा, उसी प्रकार यहां पर माइनस है, और आप उसे जैसे ऊपर सॉल्व किया उसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान रखना, अब आपको मैं शॉर्टकट समझाता हूं। ध्यान रहे कि अगर आपके पास यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस होगा और यहां पर भी प्लस होगा। ये माइनस है इसलिए यहां पर भी माइनस है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहां पर अगर माइनस है तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। चूंकि ऊपर दोनों जगह माइनस है तो नीचे दोनों जगह प्लस हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, जो कि एनडीए परीक्षाओं में पूछेगा, मैं वो आपको बता देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एनडीए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ था, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। आपसे कहा गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इसमें थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए, शॉर्टकट अगर आपको आता है तो कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों ध्यान दें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट पहला या दूसरा, ये यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग ये शॉर्टकट पढ़ चुके हैं तो आप ध्यान दें, तो आप डायरेक्ट पाएंगे आप इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, टेन। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, टेन 45 माइनस, इसको क्या पढ़ते हैं 45, 45 में से थीटा माइनस होगा, यहां पर ये थीटा लिखा हुआ है, थीटा के प्लेस पर बेटा यहां पर 17 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, थीटा के प्लेस पर 17 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या होगा, 45 माइनस थीटा। तो 45 में से अगर आपने 17 डिग्री को माइनस कर दिया तो आपको बेटा यहां पर कितना मिलेगा, टेन का 28 डिग्री। क्लियर है? और टेन थीटा यहां पर लिखा था, टेन से टेन कैंसिल, थीटा के प्लेस पे कितना आ गया, 28 डिग्री। ये हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। देखा आपने कितने सिंपल वे में इसे सॉल्व कर लिया इस कॉन्सेप्ट की मदद से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था बेटा, उलट करके पूछा गया था, इसमें कहा गया था टेन 54 डिग्री की वैल्यू इन चार ऑप्शन में क्या होगी। बेटा 54 डिग्री अगर आप इसे देखें तो आप ये पाएंगे कि 45 प्लस 9 लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, टेन 45 प्लस 9, अगर आप देखें तो 45 यानी कि ये पाई बाई 4, तो बेटा ये पाई बाई 4 प्लस 9 ये हमारे पास आया। इसके प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पर आपके पास क्या है, 9 डिग्री। तो कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन 9, ये हमारा इसका सी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आपको और कुछ अलग से प्रश्न करा देते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है इस पर बेस मैंने आपको ये चार क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप ये मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे बेटा जी हमारे पास यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन। तो यहां पर ये जो प्लस है बच्चों, देखिएगा शॉर्टकट बड़े आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। अगर यहां पर 45 यहां पर प्लस है तो बेटा आप 45 में इस 9 वाले एंगल को जोड़ दीजिए, तो बेटा यहां पर आपके पास आया 54 डिग्री। टेन 54 हमारा रिजल्ट है, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री है, यहां पर माइनस है, इसका मतलब यह है कि 45 में माइनस होगा कितना, ये वाला एंगल यानी कि 9 डिग्री, ये माइनस होगा। तो 45 में से 9 माइनस हुआ, ये हुआ 36, आगे आप 10 लगा देंगे, 10 36 इसका आंसर है, हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। cos 10 plus sin 10 upon cos 10 minus sin 10, यहां पर ऊपर प्लस लगा हुआ है, यानी कि 45 में आपने प्लस ये 10 ऐड कर देना है, 55 हो गया, आप इसमें 10 आगे लगा लेंगे, 10 55 हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और नीचे यहां पर cos 20 डिग्री प्लस साइन 90 साइन 20 डिग्री लिखा हुआ, ये अगर प्लस है सॉरी ये माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 में से आपको ये वाला एंगल 20 डिग्री को माइनस कर देना है, यहां पर आपको बेटा मिल जाता है 25 डिग्री, आपने आगे 10 लगा लिया, 10 25 डिग्री आपका, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।
स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दो पढ़ रहे थे। इसमें हम कॉन्सेप्ट हम दूसरा आपके लिए लेके आए हैं। ये बेटा लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू जीरो हो जाता है यदि ए और बी ये दोनों एंगल जुड़ करके 360 डिग्री मिल रहे हो। बेटा ए प्लस बी जोड़ने पर अगर 360 डिग्री मिलेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, देखते हैं। बेटा जैसे लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 350 डिग्री, अगर हमने 10 और 350 को ऐड किया तो ये बेटा हमें मिला 360 डिग्री। इसका मतलब ये होता है साइन ए प्लस साइन बी अगर हमारे पास ये ए और बी जुड़ करके 360 डिग्री मिल रहे हो तो ये वैल्यू इस सूत्र के हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए, जीरो। ये वैल्यू जीरो है। आइए देखते हैं साइन 1 डिग्री प्लस साइन 359 डिग्री, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 360 तो बेटा इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई, आपने देख लिया है। आइए इसको समझते हैं। साइन में 10 डिग्री है, फिर 20 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है और एंड सो ऑन बढ़ते बढ़ते यहां पर 360 डिग्री है। बच्चों अगर हम यहां पर इससे पहले टर्म लिखना चाहें तो यहां पर आया होगा 350, क्लियर है बेटा। इसके और पहले देखते हैं तो यहां पर आया होगा 340, ऐसे ही आगे हमारे पास 10-10 माइनस होते चले गए होंगे। तो बेटा देखते हैं थ्री साइन में 10 डिग्री है और यहां पर साइन में 350 डिग्री है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो यहां पर 360 आता है, इसकी वैल्यू जीरो। साइन 20 है, इससे पहले यहां पर देखते हैं तो साइन 340 है, 20 और 340 ये मिलकर के भी आपके पास 360 आंसर हो रहा है, इसकी वैल्यू भी जीरो। ऐसे ही बेटा यहां पर साइन का 30 डिग्री लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर देखें तो ये पाएंगे साइन 330 डिग्री, इन दोनों को भी ऐड करेंगे ये वैल्यू भी जीरो, ये सभी की वैल्यू जीरो है। और लास्ट बचता है साइन 360, बेटा साइन 360 की वैल्यू भी जीरो होती है। इन सबका समेशन कितना फाइनल आंसर आ रहा है, जीरो, क्लियर है बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहां पर जैसा आपने देखा कि साइन 360 इसकी वैल्यू जीरो, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा, अगर हम यहां पर लिखें तो ये था साइन 359, यहां पर लिखें तो साइन 358, क्लियर है बेटा। अगर आप देखें तो ये 1 डिग्री 359 डिग्री के साथ मिलकर के 360 आंसर हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो। यहां पर देखते हैं 2 डिग्री है 358 के साथ मिलकर के 360, इसकी वैल्यू भी इसके अकॉर्डिंग जीरो। ऐसे ही बेटा जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा, पहले वाले टर्म को देखा, इस वाले टर्म के साथ मिलकर के जीरो हो रहा था क्योंकि 360 अगर ये भी जुड़ने पे 360 होता है तो वैल्यू जीरो, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग इस लेक्चर का तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें बेटा जी लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी और टेन ए प्लस टेन बी, इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाती है यदि ए बी जुड़ करके 180 डिग्री दे रहे हो, तो कॉस ए कॉस बी की वैल्यू भी जीरो और टेन ए टेन बी की वैल्यू भी जीरो। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री, अगर आपने 10 और 170 को ऐड किया तो 180 डिग्री हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। मैंने आपको यहां पर लिखा कॉस ए प्लस कॉस बी, इसकी वैल्यू जीरो यदि ए बी जुड़ करके 180 डिग्री मिल रहे हो। टेन ए टेन बी बेटा यहां पर देखें 20 डिग्री और 160 डिग्री, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये भी 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू भी आपको जीरो मिलेगी, क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री, 80 और 100 इन दोनों को ऐड किया ये 180 डिग्री मिल रहा है, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू भी जीरो होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, आगे होगा टेन 3 डिग्री एंड सो ऑन लास्ट में 179 डिग्री। तो अगर आप देखें 1 डिग्री और 179 डिग्री इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहां पर 180 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके पहले लिखा होगा 10178 यहां पर अगर आपके पास लिखा है 10178 डिग्री तो आप देखें 2 डिग्री और 178 डिग्री इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 180 होगा, इसकी वैल्यू भी जीरो। इस हिसाब से इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहां पर 10 लिखा था यहां पर कॉस है, बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं है, आप देख सकते हैं जैसे यहां पर 10 ए 10 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री एंड सो ऑन 10 179 है, वैसे यहां पर कॉस है तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार इसकी वैल्यू भी जीरो ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 10 20 डिग्री 10 40 10 60 एंड सो ऑन 10 180 डिग्री, इसके पहले अगर यहां पर लिखा होगा तो ये होगा 10 160 डिग्री क्योंकि 20-20 के डिफरेंस पे है। इसके और पहले अगर हम लिखें तो यहां पर लिखा होगा जाकर के 10 140 डिग्री,
तो आप जानते हैं tan 180 की वैल्यू तो जीरो ही होती है। अब हमारे पास ये tan 20 डिग्री लिखा हुआ है, tan 160 है, 20 और 160 को ऐड किया 180 आया, इसकी वैल्यू जीरो। यहां पर tan 40 डिग्री है और यहां पर tan 140 है, 40 और 140 को जोड़ा 180 आया, इसकी वैल्यू भी जीरो, इसलिए इसका फाइनल आंसर भी जीरो। क्लियर है बेटा? तो हमने आपको जो आज लेक्चर दो में तीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।